नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप सभी साथी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके एमपी टेट रीट, जितने भी टेट या टीचर्स वगैरह के अगले एग्जाम्स होती हैं उनके लिए जो पर्यावरण से संबंधित पूछे जाते हैं, उसमें आज हम अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जीवों की विविधता, के विविध विविध प्रकार के जीव। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव है, अथाह जीव है, ठीक है। तो किसी एक स्थान पर कई प्रकार के जीवों का रहना कहलाता है जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं हम, कि एक स्थान पर बहुत सारे जीवों का एक साथ रहना, उसे कहते हैं जैव विविधता। चलिए इसको डेफिनेशन की सहायता से देख लेते हैं क्या होता है जैव विविधता। तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले है जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होती है पढ़ लेते हैं। जैव विविधता से आशय है देखिएगा, जैव विविधता से आशय जीवों की उस विविधता और संख्या से है जिसमें पौधे और पशु दोनों सम्मिलित हैं। अच्छा, आप समझ चुके होंगे जैव विविधता का मतलब है कि विविधता या तो उनकी संख्या में हो, ठीक है, वो पौधे हो, पशु हो, जीव होना चाहिए। पौधे हो, पशु हो, किसी भी किंगडम से हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन वो होना चाहिए जीव, ठीक है, जीवित चीज होनी चाहिए। उसमें जो भी विविधता होगी उसे क्या कहेंगे हम, जैव विविधता कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है उस क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। क्या कहना चाहता है अब ये पॉइंट, तो देखिएगा और समझिएगा कि मान लीजिए ये आपका एक थोड़ा सा एरिया है, ठीक है। इस एरिया में बहुत सारे शेर भी रहते हैं, हिरण भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, चीता भी रहते हैं, ठीक है, पक्षी भी रहते हैं बहुत सारे, कौवा, जैसे कौवा हो गया है ना, आपका तोता हो गया, मैना हो गई, ऐसे बहुत सारे पक्षी रहते हैं, सांप वगैरह रहते हैं, ढेर सारी चीजें यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि जितनी ज्यादा संख्या अधिक होगी उनकी, जो वनस्पति है या जो जंतु है उनकी संख्या अगर ज्यादा होगी किसी एक निश्चित क्षेत्र में, तो उसे हम जैव विविधता की दृष्टि से उतना ही संपन्न मानते हैं, ठीक है। यानी कि कम क्षेत्र में ज्यादा जीवों का उपस्थित होना कहलाता है संपन्न, ठीक है, जैव विविधता में संपन्न उसको माना जाता है। तो आई होप जैव विविधता आपको समझ में आ गई होगी कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है। देखिएगा, अगर हम जैव विविधता की बात करें तो शब्द किसने प्रतिपादित किया है, शब्द किसने दिया था, तो देखिए सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कहते हैं हम जैविक विविधता। तो पहले जैव विविधता शब्द न यूज करते हुए जैविक विविधता शब्द यूज किया जाता था। तो इस पद का, यानी कि जैविक विविधता जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में वन्य जीव विज्ञानी रेमंड एफ डैशमैन ने किया था। किसने, तो इसका जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1968 में, एक वन्य जीव विज्ञानी थे और संरक्षणकर्ता थे रेमंड एफ डैशमैन, उन्होंने जैविक विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगर हम बात करें कि वर्तमान रूप की, तो वर्तमान रूप में हम वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम अगर किसी ने प्रयोग किया है तो वो 1985 ने WG Rosen ने किया था। किसने, WG Rosen ने, और कब, तो 1985 में सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। उससे पहले बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को क्या कहा जाता था, तो उसे हम जैविक विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि परिभाषा क्या हो सकती है जैव विविधता की। तो परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से इस चीज को परिभाषित करेंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी की जटिलता जैव विविधता कहलाती है। क्या, विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी की जटिलता जैव विविधता कहलाती है। ये एक जैव विविधता की संपूर्ण परिभाषा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम जैव विविधता के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो भैया देखो, जैव विविधता है तो हमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो सामान्यतः हमें भारत के जंगलों के बारे में जानना है। किस चीज के बारे में, जंगल के बारे में, कि जंगलों में क्या क्या उपस्थित है, कितने पेड़ पौधे हैं,
कौन कौन से जीव वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये चीजें जानना जैव विविधता के अंतर्गत आता है। तो भारत में क्या होता है, कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जैसे आपने सुना होगा कुछ राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कुछ वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भारत में जिन इन जंगलों को संरक्षित किया जाता है उनको बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। क्या होता है तो देखिएगा, देश में वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में नीतिगत रूपरेखा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है। क्या कहना चाहता है कि एक बोर्ड है जिसका नाम है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। ये क्या काम करता है, तो ये नीति बनाता है कि किस प्रकार से जीवों को और पेड़ पौधों को संरक्षित किया जा सके, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, तो ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इसकी जो पूरी रूपरेखा होती है, जो पूरी प्लानिंग होती है, वो कौन करता है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा की जाती है। दूसरी चीज देखिएगा, अगर बात की जाए कि जो ये वन वन्य जीवन है या वन वगैरह जो है, ये किस सूची के अंदर रखे गए हैं, आपको पता होगा कि हमारी संविधान के अंदर तीन सूचियां रखी गई हैं। एक होती है संघ सूची, ठीक है, एक होती है आपकी संघ सूची। अगर हम दूसरी देखें तो दूसरी पाई जाती है राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तीसरी होती है समवर्ती सूची। क्या होती है ये सूचियां, जरा एक बार गौर कर लेते हैं इन पर। अगर हम बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची के अंदर इस ऐसे ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है, जो कि दिल्ली से इस सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर चाहे वो देश हित में हो तो इस पर संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, ठीक है। अगर बात करें हम समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे जाते हैं जो दोनों के पक्ष में होते हैं, संघ के पास भी होते हैं और राज्य के पास भी होते हैं। इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी कानून बना सकता है, आपका राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो संघ ने कानून बनाया गया है उसको मान्य किया जाता है, ठीक है। क्योंकि तो राज्य तो भैया निचले स्तर पर है, तो आपका जो संघ है, जो संघ ने कानून बनाया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उसको मान्य किया जाता है कि ठीक है हम आप ही को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो भारतीय संविधान के तहत वनों एवं वन्य जीवन को, ठीक है, तो वन और जो वन्य जीवन है उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि वन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो वन को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए देखते हैं संरक्षण के आधार पर भारत में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, या ऐसे कौन कौन से एरिया जिसमें संरक्षण किया जाता है। तो देखिएगा, भारत में संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी संख्या 103 है, ठीक है। कितनी, तो 103 राष्ट्रीय उद्यान है आपके, 544 वन्य जीव अभयारण्य है, कितने, 544 वन्य जीव अभयारण्य और 103 राष्ट्रीय उद्यान है जिसके थ्रू इन वन्य जीवन को संरक्षित किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में बस एक छोटा सा फर्क ये होता है कि संरक्षण दोनों जगह होता है, दोनों जगह आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है, आप वहां रह नहीं सकते, समझ रहे हो ना, रहने का अधिकार नहीं होता है आपको वहां। दूसरी चीज क्या होती है कि इनके बीच दूसरी चीज ये होती है कि आप वहां लकड़ी नहीं काट सकते, क्या नहीं काट सकते, वहां से लकड़ियां वगैरह नहीं काट सकते। अच्छा, वन्य जीव अभयारण्य के तहत कहीं कहीं ये दिया जाता है, ये छूट दी जाती है कि आप लकड़ी वगैरह ला सकते हैं अपने लिए, लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था, उसके बाद से वन्य जीव अभयारण्य से भी लकड़ियां काटना मना कर दिया गया है, ठीक है। तो रहने का अधिकार नहीं है वहां पर, आप लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते, ठीक है, ये सारी चीजें राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभयारण्य के तहत नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में जो कानून होते हैं, जो, ठीक है, आरक्षण होता है, वो कुछ ज्यादा होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ वन्य जीव अभयारण्य ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत आप वन्य जीव अभयारण्य के अंदर जा सकते हैं और वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जो आसपास के निवासी रहते हैं, वो अपने भरण पोषण के लिए उसके अंदर जा सकते हैं, वहां पर कुछ काम कर सकते हैं, वहां से जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है,
तो वहां से लकड़ियां ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वन्य जीव अभयारण्य में थोड़ी सी छूट दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य में आपको पूरी तरह से छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आई होप इन दोनों में समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, देखिए अब हम क्या पढ़ा हमने कि संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में हम राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभयारण्य दोनों चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, दूसरी चीज भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या खासियत है, उसमें क्या यूनिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान अपने क्षेत्र के वन्य जीवन एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के संरक्षण विस्तार और विकास के उद्देश्य से घोषित किए जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई, पॉइंट को एक बार और पढ़ो और फिर से समझो इसको कि राष्ट्रीय उद्यान क्या करते हैं, अपने एरिए के जितना भी वन्य जीवन है, ठीक है, वन्य जीवन हो गया, पर्यावरण हो गया, वन्य जीवन का मतलब वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है, आपके पेड़ पौधे हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होती है, वन्य जीवन होती है। तो वो पर्यावरण और वो जो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का कहने का मतलब होता है कि जैसे पारिस्थितिकी अगर ये एक क्षेत्र है तो इसमें कुछ पहाड़ भी होंगे, नदियां भी होगी, यहाँ जंगल भी होगा, ठीक है, जंगल में कुछ शेर होगा, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे, कुछ पक्षियां ऊपर उड़ रहे होंगे, है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको बोलते थे हम पारिस्थितिकी, क्या बोलते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो इन चीजों का संरक्षण, इनका विस्तार की इनको और बढ़ाना और इनका विकास करना ताकि वहाँ जीव जंतु आसानी से रह सकें, वो अपना जीवन यापन कर सकें, तो इन सभी चीजों के हिसाब से बनाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं ताकि जीव जंतुओं को और पशु पक्षियों को संरक्षण मिल सके और वहाँ वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। दूसरी चीज देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी अधिकार की स्वीकृति नहीं होती है। ये अपनों ने जस्ट इससे पहली वाली स्लाइड में पढ़ा, मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी अधिकार की स्वीकृति नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप उसमें से लकड़ी काट सकते हो, ऐसी कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं वहां पर, तो किसी भी चीज की आपको स्वीकृति नहीं मिलती है। दूसरी चीज देखिएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी मवेशी को चराई की कोई अनुमति नहीं होती है, ठीक है, ये भी अपनों ने पढ़ लिया कि वहां पे आप किसी मवेशी को चरा नहीं सकते, जानवर वगैरह को अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है, अपने मवेशी है तो उनको चराने नहीं ले जा सकते। लेकिन जो आपके अभ्यारण होते हैं, जीव अभ्यारण होते हैं, वहां पर ये चीजें कुछ हद तक अलाउ होती हैं, आप कुछ लिमिट तक बिल्कुल के आप परमिशन लेकर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, मवेशियों को, जैसे वहाँ के लोकल लोग हैं तो अब मवेशियों को कहीं तो चराने ले जाना पड़ेगा ना, अब पास में जंगली वो है उसको भी उन्होंने आरक्षित कर लिया है, तो फिर हम मवेशी को चराने कहाँ ले जाएंगे। तो इसलिए उनको, लोकल लोगों को थोड़ी सी छूट दी जाती है कि ठीक है आप अपने मवेशियों को चरा सकते हैं, ठीक है, आप अपने खाना वगैरह बनाने के लिए कुछ हद तक लकड़ी लेकर के आ सकते हैं। तो ये सारी चीज वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत होती है। राष्ट्रीय उद्यान में कुछ भी छूट नहीं होती है, कोई भी अधिकार की स्वीकृति आपको प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, तो आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। कितनी संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की, 12। अब बोलेंगे सर आप तो गलत बता रहे हो, क्योंकि आज तक तो हमने 11 पढ़ा था, आज आप 12 बता रहे हो, सर ये कोई बात समझ नहीं आई हमको, हमने तो 11 पढ़ा है, किताबों में भी 11 लिखा हुआ है। तो देखिएगा मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमारे यहाँ का जो एक राष्ट्रीय उद्यान या फिर कहें पहले जो वन्य जीव अभ्यारण्य था, कोनो पालपुर, ठीक है, ये जो अभ्यारण्य था इसको 2018 के तहत आपके राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, कोनो पालपुर को वन्य जीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 से बढ़कर के 12 हो चुकी है। कितनी, 11 से बढ़कर के 12 हो चुकी है। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर राज्यों में पूछे कि कौन से राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक
राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसके तहत 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? 9 राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगर अगले पॉइंट पर चलें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। चलिए लेह जनपद, ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख अलग हो गया है, तो ये अब लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है, ये थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर का लेह जनपद या फिर लद्दाख का जो लेह जनपद वाला क्षेत्र है उसमें आता है, और उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आया समझ में? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी चीज, ये कहाँ आता है? तो अगर वो लद्दाख दे तो आपको लद्दाख लगाना है, लद्दाख नहीं होता ऑप्शन में तो फिर आप जम्मू कश्मीर को टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिएगा के नाम से जाना जाता है, और यह 4400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कितने किलोमीटर में? इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, वो 4400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, 4400 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो देखिएगा पॉइंट है आपका देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, सबसे बड़ा तो पढ़ लिया भाई, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख, लेकिन देश का अगर सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो होगा आपका अंडमान निकोबार के अंतर्गत आने वाला साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? साउथ बटन। आप बोलेंगे सर यार बटन 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 तो एक तो अपने वो शर्ट वगैरह के लगाने के होते हैं बटन, लेकिन हाँ भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है दो तीन प्रकार के, एक साउथ बटन है, नॉर्थ बटन है, ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ नाम है। तो जो अंडमान निकोबार का साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है वो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल देखें तो 0.03 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट देखें तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात हो गई। अगर हम देखें कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो देखिएगा वो है जिम कार्बेट। कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, टाइगर को बचाने का जो प्रोजेक्ट चलता है अलग अलग नेशनल पार्क में, वो भी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो जिम कार्बेट से ही शुरू हुआ था आपका। कौन सा? टाइगर प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला देखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट है। अगर कभी आपसे पूछ लें कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा ये है आपका नई दिल्ली में, और अगर पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा? दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पर आता है? तो ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान हमने यहाँ पढ़ लिया कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान थे, वन लाइन फैक्ट्स पढ़ लिए। अब हम अलग अलग स्टेट्स में कुछ स्पेशल राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं जो कि हमें पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि हमें पता है कि सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। कितने? 9। तो उनके नाम देख लेते हैं, 9 कौन कौन से हैं। तो पहला देखिएगा, पहला है आपका कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा देखिएगा गैलेथिया बे राष्ट्रीय पार्क, कैंपबेल। दूसरा है गैलेथिया। अगर हम तीसरे की बात करें तो फिर आएगा आपका महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम वांडूर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, या दूसरा इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अगर हम बात करें चौथे नंबर की तो आता है आपका मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। मैंने बताया था आपको कि बटन के नाम पर अंडमान निकोबार में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला देखिएगा मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। पांचवा देखिएगा, अगला है आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखिएगा छठा,
नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, पहला मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अब नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सातवां देखिएगा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। हम बात करें सेडल पिक राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी मिलेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, और अगर बात करें साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में मिलेगा। अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, तो ये देखिएगा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये मिडिल हो जाएगा, तो इन तीनों के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये हो जाएगा नॉर्थ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ये मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ये वन लाइन ऑफ फैक्ट के हिसाब से आपको सीधे पूछ सकता है कि मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान निम्न चार ऑप्शन में से कहाँ, किस में आता है या किस में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के अभी एक नया राज्य बना है, कौन सा, तेलंगाना, कौन सा बना है, तेलंगाना। देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर पहला देखें तो पहला देखिएगा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे की बात करें हम तो तीसरा मिलेगा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा देखें तो चौथा आएगा काशी ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, और छठा मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो ध्यान रखिएगा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर, काशी ब्रह्मानंद, महावीर हरिणा तथा मृगावनी। एक बार और रिपीट कर लीजिए, पापीकोंडा, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर, काशी ब्रह्मानंद, महावीर हरिणा तथा मृगावनी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आएंगे, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल, आप इस चीज को जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको ये याद हो जाएगी, है ना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला कौन सा आ रहा है, तो बिहार, बिहार में मात्र एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो वो देखिएगा वो कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसके तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है। बाघ आप सब जानते हैं बाघ क्या होता है, ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ, तो बाघों का संरक्षण कहाँ किया जाता है, बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बाघों का संरक्षण किया जाता है। सीधे क्वेश्चन, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो बिहार में है, या ऐसे भी बन सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है वहां पर किन जीवों का या किन जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, तो वहां पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं अगली ओर और देखते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर भी बाघों का संरक्षण किया जाता है। दूसरा मिलेगा आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसके तहत हिरण लक्कड़बग्घा का संरक्षण मिलेगा। ठीक है भाई, हिरण तो सब जानते हैं, अब ये लक्कड़बग्घा किस क्या होता है, तो कुछ जो गांव के साथी होंगे उन्होंने तो आई होप कि देखा होगा लक्कड़बग्घा, लेकिन कुछ साथियों ने नहीं देखा होगा, तो देखिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये जो फोटो में दिख रहा है आपको यही जीव है लक्कड़बग्घा, ठीक है ना, तो इसको देख के लग भी रहा है कि हाँ यार भाई इसको संरक्षण की जरूरत है, है ना, तो लक्कड़बग्घा संरक्षण दिया गया है कहाँ पर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण और लक्कड़बग्घा दोनों को संरक्षण मिला हुआ है। अगर हम बात करें जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो है गुरु घसीदास, जिसे हम संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान, या जिसका दूसरा नाम है गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आते हैं आपके, छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घसीदास, ये तीनों छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गोवा की, गोवा के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों गोवा के अंतर्गत भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, या आप कहें तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, गोवा में मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हरियाणा के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पहला राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका कालेसर, जो कि वहाँ की एक जगह भी है, सुल्तानपुर कालेसर दोनों वहाँ की एक जगह है, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा हरियाणा में, यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, किस चीज का,
पक्षियों का संरक्षण किया जाता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो कि हरियाणा में स्थित है। दूसरा देखिएगा, हरियाणा का अगर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम, तो दूसरा मिलेगा आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हरियाणा में। तो हरियाणा में दो, कालेसर और सुल्तानपुर। चलिए देखते हैं गुजरात की बात करें तो गुजरात में पहला देखिएगा वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, या इसको कोई कोई वंसदा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, दोनों नाम सही है। दूसरा देखिएगा ब्लैक बक। ब्लैक बक क्या होता है आप सब जानते होंगे, या फिर एक प्रकार का ठीक है हिरन वगैरह को उसको ब्लैक बक बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, या इसको दूसरा नाम लें तो इसको वेलाउदार राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। कौन सा? या तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान बोलो, या दूसरा इसको वेलाउदार राष्ट्रीय उद्यान बोलो, ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? गुजरात के अंतर्गत। और इसमें किसी जीव का संरक्षण किया जाता है क्या? तो हाँ, इसमें जो भारतीय जंगली गधा है, जैसा कि आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, जैसा कि आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, ये जंगली गधे हैं। कौन से? जंगली गधे। आपने सामान्यतः अपने एरिया में भी जंग गधे देखे होंगे, लेकिन वो थोड़े अलग प्रकार से होते हैं। ये जो गधे दिख रहे हैं ये जंगली गधे हैं। तो इनका संरक्षण कहाँ किया जाता है? इनका संरक्षण ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा ये पहला नहीं है, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो जो तीसरे नंबर पर है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। कौन सा? एशियाई शेरों का संरक्षण गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। चौथा देखिएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर? गुजरात में। इसको हम कच्छ का रण भी, कच्छ के रण के नाम से भी जानते हैं, कि कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में। वैसे आपको पता है कि जो कच्छ का रण है वो भी कहाँ? गुजरात में ही है। तो उसके नाम पर भी इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान या मरीन राष्ट्रीय उद्यान, दोनों इसी को कहते हैं। यहाँ पर किस किस जीवों का संरक्षण किया जाता है? तो देखिएगा कछुआ और मूंगा, इन दोनों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कछुआ आप सभी साथी जानते हैं, कछुआ लगभग सभी साथियों ने देखा होगा, लेकिन कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये मूंगा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ अगले स्लाइड में कि मूंगा क्या है। देखिएगा ये तो हो गए कछुआ, जो कि आप सब जानते हैं भैया, सबने देखे हैं कछुए तो, है ना? कोई तो अपने घर पे रखता भी है कछुए, बहुत सारे साथी कछुए रखते भी है घर पे। देखिए मूंगा क्या होता है, बहुत सारे साथी मूंगा पहनते हैं, उंगलियों में अंगूठी पर मूंगा पहनते हैं, आपने सुना होगा। ये मूंगा कहाँ निकलता है? तो ये मूंगा जो कोरल रिफ्स होती हैं, जो कोरल रिफ्स होती हैं समुद्र के अंतर्गत, वहां से निकलता है मूंगा। तो ये जो इस प्रकार का होता है, इनसे निकलता है मूंगा। तो इन जीवों का संरक्षण करना भी कहाँ होता है? आपके मरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंतर्गत मूंगा और कछुआ दोनों का संरक्षण किया जाता है। मरीन से आप ध्यान रख सकते हैं, मरीन है, मरीन का मतलब ये समुद्र के किनारे है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समुद्र वाला एरिया इसके अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लिया कोरल रिफ, मूंगा और कछुआ का संरक्षण गुजरात में। बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है आपका, वो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। दूसरा देखिएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर पहाड़ी तेंदुआ, बरल और तीतर का संरक्षण किया जाता है। किस किस चीज का? पहाड़ी तेंदुआ, बरल और तीतर, इन सभी जीवों का संरक्षण पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी तेंदुआ, तेंदुआ आपने देखा है, तीतर भी बहुत सारे जानते हैं, कुछ ने नहीं देखा है, मैं दिखा दूंगा आपको, बरल भी बता देता हूँ आपको कैसा दिखता है। चलिए पहले देख लेते हैं बाकी के जो हैं। अच्छा, ये तीन है, ये है चार और ये है पांच, है ना? संख्या पे ध्यान दीजिएगा। तो जो तीसरा है वो है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश। चौथे नंबर पे देखें तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश। और अगर हम बात करें सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए बहुत सारे देख रहे थे कि सर हमने बरल और तीतर नहीं देखा, तो देखिएगा ये तो है बरल, ये जो जीव है इसको बोलते हैं बरल, और ये है तीतर। तीतर बहुत सारे लोग
इसका शिकार करते हैं तीतर का। अरे भैया जीवों का शिकार कैसे करते हो यार, समझ नहीं आता मेरे को तो। ठीक है, और ये तेंदुआ, पहाड़ी तेंदुआ ये तो सब जानते हैं, तेंदुआ तो देखा ही होगा लगभग सबने। ठीक है, तो ये बरल है और ये है तीतर, इन तीनों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो जम्मू एवं कश्मीर के अंदर पहला है सीटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। दो चीजें हैं, एक तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, दूसरा सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सलीम अली बर्ड सेंचुरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और आपका ये जो है सिटी फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भूरा भालू, हिमालयन स्नोकॉक पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। किस किस का? एक तो भूरा भालू का संरक्षण भी होता है, दूसरा जो हिमालयन स्नो कॉक है उसका भी संरक्षण किया जाता है। दोनों में आपको आगे फोटो में दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। इससे पहले आगे के देख लेते हैं, दो तीन और चार। तो दूसरा देखिएगा दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, या इसको, ये श्रीनगर में है। ठीक है, जहां पर कश्मीरी हंगुल का संरक्षण किया जाता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर हम यूं कहें तो भारत का सबसे टॉप। ठीक है, समुद्र तल की ऊंचाई से देखें तो अगर सबसे ऊंचाई पे कोई सा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान भी है हेमिस। आई होप समझ में आ गया होगा। चौथा देखिएगा, चौथा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, चारों जम्मू कश्मीर। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कभी कभार पूछ भी ले आपसे, लेकिन हमें हमारे नॉलेज में रखना है। आगे देखें, देखिएगा क्या होता है स्नोकॉक। ठीक है, यह है कश्मीरी हंगुल, इसको क्या बोलते हैं? कश्मीरी हंगुल, जो ये आपको दिख रहा है हिरण जैसा, या फिर बोले हम मध्य प्रदेश के बारह सिंघा जैसा, तो इसको बोलते हैं कश्मीरी हंगुल। और ये जो आगे दिख रहा है ये है भूरा भालू, इसको क्या बोलेंगे? भूरा भालू। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था भूरा भालू कहाँ पर सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है। तो भू और जो कश्मीरी हंगुल देखा हमने बारह सिंघा जैसा, उसका संरक्षण दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। अगर मैं बात करूँ स्नोकॉक पक्षी की, तो आप देख सकते हैं ये जो पक्षी इस वाले पिक में आपको दिख रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं हम स्नोकॉक पक्षी, और इसका भी संरक्षण किया जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा सबको। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिएगा कर्नाटक के अंदर पहला जो है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बाघ का संरक्षण होता है। दूसरा मिलेगा आपको बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बाघ का संरक्षण होता है। तीसरा बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से, फिर से रिवाइज कीजिए, अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सब मिलेंगे आपको कर्नाटक के अंदर। चलिए रखते हैं आज का सेशन यहीं तक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी शख्सियत को पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए या किसी भी कोर्स के लिए। तो नंबर लिखिएगा, नंबर है आपका 9753749986। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, क्या नंबर है? 9753749986। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई अगर मेरा ऐसा साथी है जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो इंग्लिश के लिए कोर्स है बहुत ही शानदार, जिसमें जीरो से हीरो बेस तक का पूरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है, हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करवाया हुआ है, साथ में क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सारी चीज मिल जाएगी, तो इंग्लिश के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई एमपीटेट रीट वगैरह के लिए मैथ्स पढ़ना चाहता है,
तो उसके लिए भी एक मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा आपको। और ये दोनों कोर्स अगर आपको परचेस करने हैं तो आप डाउनलोड कीजिएगा लेयर 3 एजुकेशन का एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? जैसे हम गेम्स डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, पहले टिकटॉक चल रहा था तो टिकटॉक डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है, तो उसी प्रकार से आप प्ले स्टोर पे जाकर के लेयर 3 एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इंग्लिश और मैथ्स के कोर्स परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको बेसिक से और बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाई गई है, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप इन मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।